दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू कंज्यूमर ABS। ये दोस्तों आपकी 2020 हीरो ग्लैमर 125 BS6 और ये जो वेरिएंट है ये है द लिमिटेड ब्लेज एडिशन। दोस्तों अभी अभी नई लॉन्च हुई है और अभी आपको डीलरशिप में अवेलेबल हो जाएगी। इसमें जो खास नए चेंजेस है वो है इसका नया कलर स्कीम और इसमें आपको वो भी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट अभी आपको मिल जाता है। अगर आप स्टैंडर्ड BS6 का वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 72,200 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस ड्रम वेरिएंट का आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इसके प्राइस को कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड मॉडल के साथ तो ऑलमोस्ट 1200 रुपये का डिफरेंस आपको मिलता है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हेडलैम्प के डिज़ाइन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हेडलैम्प डिज़ाइन, ब्लैक कलर का वाइजर आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो हेडलैम्प है ये आपको हेलोजन टाइप का मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों गौर करेंगे तो यहाँ पे हीरो का लोगो आप देख सकते हो 3D एम्बलम वाले फिनिश में। इसके अलावा यहाँ पे पास लाइट जैसे स्विच आपको मिल जाते हैं, लाइट्स की थ्रो काफ़ी बेहतर है और यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प जो है काफ़ी अच्छा ब्राइटर है आपको मिल जाता है, जो डेली सिटी में काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। अभी दोस्तों बाइक में आपको एक्सेंस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इसके अलावा ऑटो सेल टेक्नोलॉजी मिल जाती है। एक्सेंस में होता यह है कि इसमें आपको 9 डिफरेंट सेंसर्स यूज़ करे गए हैं जो आपको डेली राइड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और बाइक की परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको I3S टेक्नोलॉजी मिल जाती है, IBS टेक्नोलॉजी मिल जाती है और अगर आप इसको कंपेयर करते हो BS4 मॉडल के साथ तो ऑलमोस्ट 10 नए चेंजेस करे गए हैं BS4 के मुकाबले। यहाँ पे बात करी जाए सबसे पहले चेंज की तो यहाँ पे आपको मस्कुलर टैंक मिल जाता है, डुअल टोन बॉडी ग्राफिक्स हैं, सिग्नेचर H टेल लैंप आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छे ब्राइट हेडलैम्प हैं, वाइडर ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, डिजिटल एनालॉग कंसोल, स्प्लिट अलॉय व्हील डिज़ाइन, लॉन्गर ट्रैवल सस्पेंशन और न्यू डायमंड फ्रेम चेसिस जैसे चेंजेस इसमें आपको मिल जाते हैं अगर आप इसको BS4 के साथ कंपेयर करते हो। तब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव और नया डिज़ाइन आपको मिलता है, बिल्कुल भी एकदम लगता नहीं है ऐसे कि पुराना का पुराना मॉडल आपको पकड़ा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो इंजन मालफंक्शन की लाइट है, न्यूट्रल की लाइट है, I3S की लाइट आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो स्वाइप अप वाला डिज़ाइन आपको मिलता है जो हीरो की बाइक्स में अभी स्पीडोमीटर में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर फुल्ली एनालॉग है। इसके अलावा जो डिजिटल पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर की बैकलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, काफ़ी सूदिंग लाइट है। इसके अलावा जो डिजिटल पार्ट है यहाँ पे डिजिटल फ्यूल गेज मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है, ओडोमीटर जैसे फीचर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो BS4 के मुकाबले में जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डिज़ाइन है काफ़ी अपडेटेड मिलता है। यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर का डिज़ाइन है ये आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग में मिल जाता है, अगर ये बॉडी कलर होती तो और बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा जो लेफ्ट हैंड साइड हैंडल बार है यहाँ पे देख सकते हो वेट मल्टीप्लेट टाइप का क्लच, लाइट्स के कंट्रोल, इंडिकेटर, पास लाइट, स्विच, हॉर्न के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हो आप USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है जो मोबाइल चार्जिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप इसको डेली सिटी राइड कंडीशन में यूज़ करते हो। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो, फील्ड वर्क करते हो जिसमें आपको बाइक लेके काफ़ी देर तक चलाना पड़ता है, तब ये मोबाइल चार्जिंग वाली फ़ीचर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो एक पूरा डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल का, हैंडल बार का भी डिज़ाइन आप देख सकते हो, हीरो की ब्रांडिंग की गई है यहाँ पर और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आपको मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा जो राइट हैंड साइड हैंडल बार है यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक स्टार्ट, I3S का बटन, फ्रंट ब्रेक के कंट्रोल और थ्रॉटल कंट्रोल जैसे फीचर आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको मिलता है, काफ़ी बेसिक सा डिज़ाइन है हैंडल बार का। इसके अलावा जो टैंक है यहाँ पे 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है और माइलेज आप यहाँ पे 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर की सिटी में आप निकाल सकते हो और यहाँ पे जो फुल टैंक रेंज है वो अप्रॉक्स 550 से लेके 600 किलोमीटर तक की आप अचीव कर सकते हो 1 फुल टैंक में। इसके अलावा देख सकते हो सीट का डिज़ाइन, काफ़ी लंबी सी सीट है और काफ़ी अच्छी है डिज़ाइन इसका, कम्फर्टेबल है और यहाँ पे जो सीट हाइट है वो है 793 मिलीमीटर का,
तो चाहे आप शॉर्ट हाइट के राइडर हो चाहे टॉल हाइट के राइडर हो, बहुत ही ईजिली आप सैडल करके एक अच्छी कंफर्टेबल राइड आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अभी दोस्तों हीरो के जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं सारे के सारे फ्यूल इंजेक्टेड बाइक और स्कूटर यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। यहाँ जो इंजन आप देख रहे हो यह है 124.7 सीसी का प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन BS6 इंजन। ये एयर कूल फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर यूनिट है। ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है 10.73 PS का और मैक्स टॉर्क ये जनरेट करती है 10.6 न्यूटन मीटर का। इस बाइक को दोस्तों आप किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों से ऑन कर सकते हो और फ्यूल सेविंग के लिए यहाँ पे आपको i3s टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है जो आपको डेली राइड में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। 5 स्पीड का गियरबॉक्स आपको मिल जाता है, काफ़ी स्लिक शिफ्टिंग है और यहाँ पे इंजन रिफाइनमेंट में भी बहुत ही अच्छा काम किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रंट टायर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको 80x100 के 18 इंचेस ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं TVS टायर्स की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूबलेस की ब्रांडिंग भी की गई है। इसके अलावा जो अलॉय व्हील डिज़ाइन है ये स्प्लिट अलॉय व्हील डिज़ाइन आपको मिलता है। खास बात यह है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और एक बिल्कुल भी नया लुक आपको मिलता है। यहाँ पे ब्रेक्स के मामले में भी काफ़ी अच्छी है। 130 mm का जो ड्रम ब्रेक सेटअप आपको मिलता है। फ्रंट में रिफ्रैक्टर जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे IBS टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलती है तो जब भी आप फ्रंट का ब्रेक अप्लाई करते हो तो पीछे का ब्रेक भी अप्लाई होता है। यहाँ पे देख सकते हो IBS की ब्रांडिंग की गई है। इसके अलावा आप गौर करेंगे तो हॉर्न प्लेसमेंट आप देख सकते हो, कैटलेटिक कन्वर्टर जैसे फीचर भी आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों पीछे की तरफ देख सकते हो आप सारी गार्ड का डिज़ाइन। यहाँ पे जो पीछे का ग्राफिक डिज़ाइन भी है ये देख सकते हो आप, फ्लोरोसेंट लाइवेरी कलर इसको कहते हैं, जो आपको लाइट ग्रीन कलर टाइप का दिखने को मिल रहा है। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है यहाँ पे ब्लेज एडिशन का। इसके अलावा एग्जॉस्ट के ऊपर आप देख सकते हो ब्लैक कलर की प्लेटिंग यूज़ करी गई है। यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप है ये आपको एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर मिल जाती है रेड कलर की फिनिशिंग में। बाकी पीछे का टायर प्रोफाइल 80x100 के 18 इंचेस ट्यूबलेस टायर यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। यहाँ पे पीछे की साइड भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है देखने को। और यहाँ पे जो टेल लैंप है ये आपको सिग्नेचर H टेल लैंप यहाँ पे डिज़ाइन आप देख सकते हो, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आपको मिलता है और BS4 के कंपैरिजन में तो काफ़ी आई कैचिंग डिज़ाइन आपको मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो ग्रैब रेल सॉलिड है। यहाँ पे इंडिकेटर जो हैं इनके जो एजेस हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और ये बल्ब टाइप के इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। काफ़ी शार्प लुकिंग डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे दोस्तों बैटरी जो यहाँ पे मिलती है ये आपको मिलती है 12 वोल्ट 4 एम पावर की मेंटेनेंस फ्री बैटरी। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो हेडलैम्प का थ्रो जो लाइटनिंग है काफ़ी बेहतर आपको मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके जो एक्स शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली है, मैंने पहले भी बताया आपको, बाकी एक्स शोरूम प्राइस फिर से बताता हूँ, 72,200 रुपीज़ ड्रम ब्रेक वेरिएंट का आपको मिलता है। बाकी अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल लेते हो ग्लैमर BS6 का तो यहाँ पे आपको 71,000 का पड़ेगा एक्स शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली। इसके अलावा अगर आप अपने सिटी में ऑन रोड प्राइस पता करना चाहते हो तो अपने नज़दीकी हीरो डीलरशिप को कॉन्टैक्ट करके एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हो। बाकी दोस्तों ये थी आपकी हीरो ग्लैमर BS6 ब्लेज एडिशन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल के सपोर्ट के लिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।